चल रुक गया। फिरोज भाई कुछ कहेंगे आपसे, देखो यहाँ क्या कहेंगे बताइए आप। मैं यही कहना चाहता हूँ गाइस कि सुकून अगर लेना है थोड़ा सा तो टाइम निकालें एक दिन का, और बाजपुर में फार्म 9 है, खाना खाएं। रेस्टोरेंट जो था वो जी बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट, खाएं बहुत ही मतलब टेस्टी खाना, और खाना साफ सुथरा, और फिर वहाँ से यहाँ आएँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक घंटे का मुश्किल से टाइम लगता है यहाँ पर, और सुकून से आएँ और मज़े लें, लुत्फ लें प्रकृति का, जिससे कि ऑक्सीजन भी भरपूर मिलती है, भरपूर मात्रा में, जिससे कि हमारे फेफड़े रिफ्रेश हो जाते हैं। हकीकत बात है जी, बिल्कुल। मैं और बताना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब रेगुलर आएँ, लेकिन हफ्ते में, महीने में या 6 महीने में आप एक राउंड, एक दिन का केवल, और आपको अपने आप को रिफ्रेश करना है ना, कहने का मतलब कि आपको रिफ्रेश करना माइंड को, बॉडी को, तो आप हिल स्टेशन जरूर जाएं, सुकून शांति ऑक्सीजन। मुराद से 100 किलोमीटर के दायरे में है ये, मुरादाबाद से यहाँ समथिंग 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जिससे कि आप आ जा सकते हैं, आसानी से आ जा सकता है, मोटरसाइकिल लेकर आ जाए, कार से आ जाए, और मौसम बहुत ही प्यारा, और ये मौसम आपको सावन का मौसम, ज्यादातर सुविधा मिलती है, मतलब हर चीज की सुविधा। आप बाइक आ सकते हैं, बाई अपनी सेल्फ आ सकते हैं, बाई बस आ सकते हैं, बाई बस आ सकते हैं, मतलब आप टैक्सी बाई, बहुत ही अच्छा, और रोड इतने बेहतरीन रोड हैं आपको, आप कभी भी आए तो मुरादाबाद से जब आना हो आपका, काला डूंगी रास्ता कभी भी आप देखो तो चूज कर लेंगे, रास्ता हमें दिक्कत ना आए जाने में, बिल्कुल। तो आप काला डूंगी का जो रास्ता है, बेहतर होगा अगर बस द्वारा आए तो हल्द्वानी होगा, बाया हल्द्वानी, हाँ बस से आए तो बाया हल्द्वानी, और अपनी अगर कार है तो आप काला डूंगी से भी आ सकते, बिल्कुल बेहतरीन रास्ता है, बढ़िया व्यू है, सारे व्यू आपको मिलेंगे यहाँ पर, और फुल मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पॉइंट है, कुछ लोग यहाँ लूटते हैं कि मैं आपको वो दिखाऊंगा, कुछ नहीं, आप सेल्फ में एंजॉय करिए, बिल्कुल। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो खाना खाएं तो फार्म 9 पे ही खाएं, ये बाजपुर से थोड़ा पहले लगभग 5 किलोमीटर आगे पड़ेगा, 5 किलोमीटर के पास है फार्म 9 है, फार्म 9 इतना लजीज खाना आपने कभी नहीं खाया, गूगल पे बिल्कुल बहुत ही लजीज खाना होता है, वेज खाना होता है सारा, बेहतरीन खाना, बिल्कुल बेहतरीन। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि वहाँ खाएं खाना, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया, मतलब आपने कभी खाया, मतलब नहीं खाया होगा अभी, बिल्कुल ऐसा टेस्टी खाना नहीं खाया होगा आपको। ओके थैंक्स गाइस। आज दिमाग में खुराफात उठी, खाली थे तो रक्षाबंधन का दिन था, सोचा चलो खाना खाते हैं, चलो चल रहे हैं काला डोंगी, खाना तो हम खा चुके हैं, लेकिन टाइम अभी हमारे पास हो तो हमने सोचा कि नैनीताल घुमाते हैं, तो ये नैनीताल हम नैनीताल ले जाएंगे, तुमने यहाँ तक कहा नैनीताल, ना तुमने ये चीटिंग है यार, ये चीटिंग क्या है, नहीं चीटिंग है यार, नैनीताल नैनीताल भाई यार, बिल्कुल नहीं, तुमने क्या था खाना खाने, मैंने पहले कह दिया था खाना खाने आए थे, गाइस अब गाइस क्या, ये मेरे दोस्त, ये मेरे दोस्त ये बोल रहे थे कि आप चलो खाना खा के आते हैं, स्पेशल पार्टी करते हैं, यहाँ लाके मुझसे बोल रहे नैनीताल चलते, ये देखो ये चीटिंग, देखो देखो लेकिन ये देखो ना, तुम क्या हम लोग अभी आएंगे।